Hi friends, this is Amit Kumar Das. Today we discuss preliminary development strategy. कोई भी प्रोडक्ट हो उसको प्रिलिमिनरी स्टेज में कैसे प्लानिंग करके डेवलपमेंट किया जाता है वो बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे. टू डेवलप एनीथिंग, कुछ डेवलप करना है तो आपको रिसोर्स चाहिए. रिसोर्स भी अलग अलग टाइप का रिसोर्स है. एक नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, मैन पावर, फंड्स. नाउ नेचुरल रिसोर्स, माइंस मिनरल, आयरन माइन हो गया, एल्यूमिनियम माइन हो गया, गोल्ड माइन हो गया, सिल्वर माइन हो गया एटसेट्रा. मिनरल्स में पेट्रोकेमिकल, रॉ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया और सनशाइन, वो भी नेचुरल है. विंड वो भी नेचुरल है. वाटर, फॉरेस्ट वो भी नेचुरल है. अर्थ भी नेचुरल है. देन मैनमेड रिसोर्स, आपको पता है जब 10th, 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबका प्रॉपर्टीज है और उसका कंपाउंड फॉर्म भी है, मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज है और बहुत कुछ है. हम इतना डीप में नहीं जाएंगे. पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट है, कोई सॉलिड फॉर्म है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई गैसियस फॉर्म है, कोई कोई मतलब मिक्सिंग फॉर्म में. उसके बाद बैंक ऑफ नॉलेज डेवलप्ड बाय आवर पास्ट प्रेजेंट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, जो अपना साइंटिस्ट लोग थे, न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गया, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो सब कुछ लॉज वगैरह दे के गए हैं और प्रेजेंट में भी बहुत साइंटिस्ट हैं, बहुत इंजीनियर्स हैं, वो भी कुछ डेवलप किए हैं. ये मैनमेड रिसोर्स हर सेक्टर में, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक कुछ भी हो. उसके बाद मैन पावर, एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ ऑल फील्ड्स. आजकल कोई भी प्रोडक्ट का देखो उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब इंटीग्रेट है, तो हमको एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ ऑल फील्ड्स का चाहिए. देन फॉर्म ए प्रोजेक्ट टीम, वो सब काम के लिए तो फंड चाहिए. फंड कहाँ से आएगा, कौन देगा वो भी है, या आपका प्रोजेक्ट कोई कॉरपोरेट के लिए है या कोई कंट्री के लिए है वो डिपेंड करता है. फंड का ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद नीचे आते हैं कमर्शियल, एडमिन, एचआर. जितना जो एक्सपेंस वगैरह जो कुछ होगा वो कमर्शियल, एडमिन, एचआर कंट्रोल करेगा. नाउ बैंक ऑफ नॉलेज, आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में मोशन है, फ्लूइड मोशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑप्टिक्स है, बहुत कुछ है, मैथ में है, ट्रिगोमेट्री है, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट है, बहुत कुछ है. केमिस्ट्री में मटेरियल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, बहुत कुछ है. हम डीप में नहीं जाएंगे. इंजीनियरिंग,
में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी, एरोनॉटिक्स, मेराइन, रोबोटिक, मटेरियल, केमिकल इंजीनियरिंग बहुत सारे हैं। नाउ हाउ टू डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट, आपको कैसे डेवलप करना है। नाउ प्रोडक्ट इन वर्ल्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, वन इज स्टेबल प्रोडक्ट, अनदर इज मूवेबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का मोशन है। नाउ स्टेबल प्रोडक्ट, आपका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल का, फ्लाईओवर, वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सिविल का इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है, उसमें डिजाइन है, कैलकुलेशन है, ड्राइंग है, सब कुछ है। अब जाकर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी अलग अलग टाइप का होता है, स्टील प्लांट हो गया, वो टाइप का इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। उसमें क्या होता है ना, पहले लेआउट, तो पहले तो सब कुछ एक्सपर्ट लोग है, वो डिजाइन करके सब कुछ बना बना दे देते हैं साइट पे, आप वो ड्राइंग देख के लेआउट करो, एक्सकेवेशन करो, सिविल कंस्ट्रक्शन करो, उसके बाद स्ट्रक्चर इरेक्ट करो, मैकेनिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल करो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल करो, वायरिंग करो, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको लगाओ, फिर वो सबको कंट्रोल के लिए आजकल ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन से कंप्यूटर में बैठ के कमांड दो, सब कुछ ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। वो सॉफ्टवेयर वाले वो प्रोग्रामिंग करके फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करता है, फिर वो कमांड जनरेट होता है, फिर वो रिसीव करके इक्विपमेंट को इंस्ट्रक्ट करके आउटपुट निकलता है। देन पावर जनरेशन उसमें आपका हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, एटॉमिक जनरेशन हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, इसमें एक एक्सपर्ट्स है, वो डिजाइन करके ड्राइंग बना के देते हैं साइट पर, उसको ड्राइंग देख के स्टेप बाय इंस्टॉल करना, वही होता है। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी है, बताएंगे आगे। पावर जैसे पावर जनरेट हुआ उसको स्टेप अप करके ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट के लिए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, ट्रांसमिशन लाइन है, फिर इसको स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। देन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल जो मोबाइल वगैरह जो चलता है उसके लिए मोबाइल टावर वगैरह वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब स्टेबल कैटेगरी में आता है। मूवेबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मूव करता है, मूविंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो चलता है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ट्रेन हो गया, जो ग्राउंड पे मूविंग करता है, ये एक कैटेगरी में आ जाता है। इसके ऊपर मूविंग इन एयर, एयर में जो प्रोडक्ट मूव करता है, आपका एरोप्लेन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, आजकल क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन, वो भी हो गया, ये एक मूविंग इन एयर कैटेगरी में आता है। देन मूविंग इन स्पेस, स्पेस में स्पेस क्राफ्ट जाता है, सैटेलाइट जाता है, रॉकेट जाता है, वो एक मूविंग इन स्पेस कैटेगरी में आता है। उसके बाद मूविंग इन ऑन ओशन, पानी के ऊपर जो जाता है, ऑन ओशन, शिप हो गया, नाफल शिप हो गया, कार्गो शिप हो गया,
फिर मूविंग इनसाइड ओशन, पानी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो आपका सबमरीन वगैरह वगैरह वो होता है, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। नाउ डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट टू बी डेवलप दैट मे बी स्टेबल और मूवेबल। पहले आप क्या डेवलप करना चाहते हैं वो स्टेबल कैटेगरी में आता है या मूवेबल कैटेगरी में आता है उसको देखना पड़ता है। फिर आपको प्लानिंग एनालिसिस बाय एक्सपर्ट्स, जो जो आपके पास जो टीम है जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब प्लानिंग एंड एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एक प्रिलिमिनरी डिजाइन होता है, फिर वो डिजाइन को फिल्टर द डेफिनेशन, जो आपने जो डिफाइन किया था वो डिफाइन को फिल्टर करके आपको, सपोज आपने सोचा था एक ऐसा चीज बनाऊंगा जो एयर में मूव करेगा, आप सोचा एक मूवेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, आपने सोचा तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। सपोज ये जेट ट्रेनर आपने सोचा बनाने के लिए, तो जेट ट्रेनर बनाने के लिए आपने सोचा, तो फिर वो जेट ट्रेनर का खूबियाँ क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, उसका आउटपुट का आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको फिर आपके पास जो एक्सपर्ट टीम है वो डिस्कशन करके एक एक सॉल्यूशन बताएंगे आपको, ठीक है। फिर नाउ व्हाट इज आवर कैपेसिटी, आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको एनालिसिस करने के बाद आपके पास क्या कैपेसिटी है, आप कितना तक जा सकते हो, क्या एनालिसिस करोगे, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके पास जो प्रेजेंट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल है उसमें कितना हद तक आप जा सकते हो उसको एनालाइज करके डिसाइड करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल मैटर वो डिपेंड करता है कॉर्पोरेट के ऊपर या कोई कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम जस्ट डिस्कस। नाउ कंडीशन, आपने सोचा एक ऑब्जेक्ट बनाओगे कि जेट ट्रेनर बनाओगे जो एयर में मूव करता है, इफ जेट विल मूविंग इन एयर, जब जेट एयर में मूव करेगा आपको एरोडायनामिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, उससे बिना नहीं हो सकता है, जेट का फ्रेम का डिजाइन कैसे होगा, जो इक्विपमेंट उसमें रहेगा वो कैसे कंपैक्ट करके रखना है, और उसमें जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट रहेगा, इलेक्ट्रिकल का सर्किट रहेगा, वायरिंग रहेगा, रिलेज रहेगा, सेंसर रहेगा, उसको कैसे मैनेज करके इंस्टॉल करोगे, एयरक्राफ्ट सॉरी जेट ट्रेनर को सब डिवीजन कर दो, अलग अलग मॉड्यूल कर दो। पहले तो एरोडायनामिक्स, एरोडायनामिक में आजकल तो आप लोगों को पता है एरोप्लेन का जेट का एरोडायनामिक रहता है, उसमें क्या है कि जब एयर में मूव करने के लिए वो थ्रस्ट जनरेट करता है, फिर आगे से एयर का फ्रिक्शन रहता है, एयर का जितना अच्छा थ्रस्ट होगा वो उतना स्पीड में मूव करेगा, कम होगा तो मूव नहीं कर पाएगा।
बहुत कुछ है उसको, एरोडायनामिक फिजिक्स का जो एक्सपर्ट है वो बताएगा कैसे डिजाइन करना है फ्रेम का, इसका जो कैलकुलेशन वगैरह वो सब बताएगा। फिर बाद में आप जो फ्रेम बनाओगे कौन सा मटेरियल में उसको बनाने से आपका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, वेट कम रहेगा, आपका जो टारगेट है उसको फुलफिल करेगा, उसके लिए मटेरियल इंजीनियरिंग का जो एक्सपर्ट है वो रहेगा टीम में। फिर आप जो फ्रेम बनाओगे, इंजन बनाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट लोग तो चाहिए फ्रेम और इंजन के लिए। जो इंजन में जो फ्यूल लगेगा वो फ्यूल को डेवलप करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का सपोर्ट चाहिए। उसमें जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है इलेक्ट्रिकल का एक्सपर्ट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट चाहिए, कंप्यूटर का पार्ट है जो है उसका एक्सपर्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट चाहिए। आजकल जो सिग्नल प्रोसेसिंग रोबोटिक उसका एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि आजकल एक जगह में सिग्नल जनरेट होता है, नेक्स्ट एंड में सिग्नल रिसीव करके और जो इक्विपमेंट को जो कमांड दिया जाता है वो हिसाब से काम करता है, वो सिग्नल में आता है, उसका एक्सपर्ट चाहिए। नेक्स्ट उस सबको इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेट कर लो, जितने एक्सपर्ट हैं सबका भी को इंटीग्रेट कर लो। उसके लिए एक अच्छा खासा मैनेजर चाहिए जो सबको इंटीग्रेट करने का कैपेबिलिटी हो। नाउ कंपेयर आवर कैपेसिटी एंड आवर एक्सपेक्टेशन, फिर उसको एनालाइज करो आपका कैपेसिटी कहाँ तक है, आपका एक्सपेक्टेशन कहाँ तक है। सपोज यू फाइंड आवर कैपेसिटी इज 60%, मतलब 60% कैपेसिटी तक आपके पास नॉलेज है, साइंस है, और एक्सपेक्टेशन इज 40%। 40% जो टारगेट के लिए आपको स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? नाउ हाउ टू अचीव बैलेंस एक्सपेक्टेशन 40%, दैट मीन्स व्हाट एवर एक्सपर्ट्स अवेलेबल एट आवर टीम दे हैव 60% नॉलेज फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो नीड टू डेवलप 40%। हाउ टू अचीव 40% फॉर फुलफिलिंग आवर गोल, लेकिन रिक्वायर्ड रिसोर्स, आपको रिसोर्स चाहिए। वी हैव 60% कॉन्फिडेंस इन साइंस टेक्नोलॉजी, फाइनेंस मैटर को छोड़ो। नाउ नाउ 60% जो कॉन्फिडेंस है उसमें मैनमेड कॉन्फिडेंस है, रिसोर्स तो स्टेबल है, मैनमेड रिसोर्स है जो जो डेवलप किए हैं, लॉज है, टेक्नोलॉजी है, अलग अलग इंजीनियरिंग है और स्किल है, वो 60% तक कॉन्फिडेंस दिलाता है ना। उसको फिर जो आपका जो जेट ट्रेनर को सब उसको ब्रेक करके अलग अलग मॉड्यूल कर दो, एरोडायनामिक फिजिक्स कर लो, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग। फिर उसको अगेन कंपोनेंट वाइज डिवाइड कर लो, कंपोनेंट वाइज इंजन में अलग अलग कंपोनेंट लगता है,
वो कंपोनेंट ये बंदा ये कंपोनेंट रिसर्च करेगा, वो बंदा वो कंपोनेंट का रिसर्च करेगा, इलेक्ट्रिकल का कोई सर्किट पे रिसर्च करेगा, वो कौन सा केबल को लगाने से अच्छा रहेगा, इंसुलेशन हीट जितना हीट हो कुछ करने सकता है, वो सब कौन सा रिले लगेगा, रिले बड़ा है उसको छोटा कंपैक्ट करके इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट उसको भी मतलब कौन सा लगाने से अच्छा आउटपुट आएगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करना, कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे, कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, उसका एप्लीकेशन कैसा आएगा, जो सॉफ्टवेयर बना दिया वो सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर को के साथ फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जब फिट होगा तो वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फिर अलग इक्विपमेंट को कमांड देगा तो वो इक्विपमेंट सब फंक्शन करेगा कि नहीं, वो सब चेकिंग करना वो करना वो सब। नेक्स्ट आफ्टर सम डेज वी इंटीग्रेट, वी फाइंड 60% 40%। We integrate 60% and 40%. Then we don't know what is the output that may be 100% or not. फिर उसके बाद उसको आपने जो बनाया, जो मेहनत किया, जो डिजाइन किया था, जो इक्विपमेंट, जो फाइटर ट्रेनर बनाया, उसको फिर टेस्ट करोगे, टेस्ट में क्या आउटपुट आता है, टेस्ट किया, एक्सपर्ट लोग हैं वो टेस्ट कर लेंगे, आजकल तो सब कुछ हो चुका है, तो देखा तो 90% अचीव, 60% 30% अचीव, 60% एयरलियर कॉन्फिडेंस प्लस 30% अचीव, टोटल भी सक्सेस 90%। व्हाट टू डू फॉर बैलेंस 10%, 10% जो बैलेंस बचा है उसके लिए क्या करें, वो 10% होगा तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। अगेन फॉलो सेम प्रोसीजर टू अचीव द बैलेंस 10%, फिर वही जो पहले हमने किए थे वही प्रोसेस में आओ, फिर कुछ दिन के बाद आप टेस्ट करोगे, वन डे विल बी कम यू विल बी सक्सेस, एक दिन आएगा आप सक्सेस हो जाओगे, आपका टीम सक्सेस हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ये आपको अच्छा लगा होगा, आप जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, थैंक यू।